बाद लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर इन दिनों तरह तरह के तरीके ईजाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जल सत्याग्रह किया, तो अब यूपी के हमीरपुर के लोग विकास के लिए भगवान से फरियाद कर रहे हैं। लेकिन क्या है ये फरियाद करने का तरीका, आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। मंदिर में भजन कीर्तन और हवन पूजन कर रहे इन लोगों को देखकर आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यहाँ मौजूद लोग भगवान से अपने गांव के विकास के लिए फरियाद कर रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन पर से इनका भरोसा उठ चुका है, जिसके चलते 10,000 की आबादी वाले कैथी गाँव के सारे लोग अब भगवान को मनाने में जुट गए हैं और अनिश्चितकालीन हवन पूजन शुरू कर दिया गया है। दरअसल यहाँ के युवा बुजुर्ग और महिलाओं ने शपथ ली है कि जब तक उनके गांव में विकास की किरण नहीं दिखेगी तब तक वो इसी शिव जी के मंदिर में पूजा करते रहेंगे। 65 वर्ष हो गए आजादी के, लड़ते लड़ते थक गए हैं, तब तार खींच गए, लाइट आज तक नहीं है, 20-22 साल हो गए, पुल बन के तैयार हो गया है, इधर उधर मिट्टी नहीं, अस्पताल की बिल्डिंग बन गई है उसमें कर्मचारी नहीं है। शासन प्रशासन की निष्क्रियता के चलते आज तक यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है और यही वजह है कि ये गांव पिछले 30 वर्षों से अंधेरे में डूबा हुआ है। गांव के लोग अंधकार में जीने पर मजबूर हैं। गांव में अस्पताल तो है लेकिन उसमें डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई है। ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ 500 छात्र हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने वाला टीचर एक है, और यही नहीं पिछले 7 सालों में यहाँ एक पुल अधूरा पड़ा है। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर गांव वालों को एक कदम उठाना पड़ा। नेता लोग आते हैं वो हमारे जनता को बरगलाते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे लिए बड़ा साधन देंगे, बिजली देंगे, ट्यूबवेल देंगे और टंकियां देंगे, रोड देंगे, अस्पताल देंगे, लेकिन यहाँ होता कुछ नहीं है। 28 वर्षों से हो गया, यहाँ कोई विकास ही नहीं हो रहा है। तभी टीका लगा के चली जाएंगे, पोलियो का ड्यूटी रही तो दीदी आई तो होगा, नहीं बाकी बंद रहता, कोई डॉक्टर नहीं, कोई एनएम नहीं, कोई सुविधा नहीं है। गांव वालों का कहना है कि प्रशासनिक अमला और नेता सिर्फ वोट मांगने के वक्त यहां दिखाई देते हैं, लिहाजा अब ये लोग थक हार कर भगवान के दर पर बैठ गए हैं। बहरहाल अपनी बदहाली के लिए जाने जाने वाले कैथी गांव के लोग आज भी आदम युग में जी रहे हैं, इससे परेशान होकर इन्होंने भगवान को ही रिझाने का ये नायाब तरीका ईजाद किया है। इस समय हमीरपुर से सिराज खान।